स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा, इस वीडियो में दो थ्योरम्स मैंने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे। दीज थ्योरम्स आर बेस्ड ऑन द लास्ट वीडियो। मैंने आपको इसीलिए लास्ट वीडियो में बताया था कि वो थ्योरम जो है उसका आगे काफी यूज होने जा रहा है, तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे हम। द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम इज इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक मैंने आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया था। आज के वीडियो में पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, वॉट इज नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंपल से दोनों डेफिनेशन है। तो यहां पे दोनों थ्योरम्स में क्या लिखा हुआ है कि द मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों थ्योरम्स में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान पे रखना है। यहां पे इसका यूज होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट लगाया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। ये प्रूफ करना है यहां पे। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, उसी को हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बोलते हैं। प्रूफ में अगर हम बात करें, पहला प्रूफ If A is, या हम ये मान रहे हैं कि let A is a non-singular square matrix of order n, then we have the last condition, जो last theorem में हमने पढ़ी थी वो क्या थी? A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into IN. ये प्रूफ किया था हमने। अब इसी का यूज करते हैं क्वेश्चन वन, इन दोनों को लेकर के। इंप्लाइज दैट A into adjoint of A is equal to determinant of A into IN. आप देखिए प्रूफ क्या करना है, determinant of A, टेकिंग द डिटर्मिनेंट वैल्यू बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यहां भी डिटर्मिनेंट और राइट साइड में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर? नाउ किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का आप डिटर्मिनेंट निकालें या दोनों के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन करें, वो दोनों इक्वल आते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। राइट साइड में क्या आ जाएगा, इसका दो बार डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहले तो वही आएगी, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या डिफरेंस है इसमें? ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें तो वो एक नंबर बन जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर नंबर, और ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका, ये सब एक नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये समझ लीजिए। नाउ या इसको थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा मिस्टेक है, हम क्या कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट लिया हुआ है आई एन का, मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, आई एन का मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड सो ऑन 0 0 एन ऑर्डर की
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए सब में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फॉर्म में, और फिर उसके बाहर से क्या है डिटरमिनेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो एंड लास्ट रो इज जीरो 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 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब अगर हम बात करें, स्टेप को हटा दो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर कॉमन लेते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है, लेकिन अब ये मैट्रिक्स ना होकर के एक डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट से कैसे कॉमन लेते हैं आप, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो से आप अलग कॉमन लेंगे, सेकंड रो से अलग कॉमन लेंगे, थर्ड रो से अलग कॉमन लेंगे, ये बहुत मेन डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का, हालांकि ये आपको पहले के वीडियोज में भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब ये डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो से एक बार डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से भी कॉमन आ रहा है, थर्ड से भी कॉमन आ रहा है, ऐसे करके लास्ट से भी कॉमन आ रहा है। तो इसको अगर हम कॉमन लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए को, तो कितनी बार कॉमन आएगा ये, आएगा एन टाइम, फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे करके एनथ रो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर एन टाइम्स कॉमन आ रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी हो जाएगी, एन। अब ये क्या बन जाएगा, वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू वन आती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के डायगनल के एलिमेंट्स अगर वन है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उस डिटरमिनेंट अगर उसका निकालेंगे तो उसकी वैल्यू वन आती है, तो इसकी वैल्यू वन बन जाएगी। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा तो अगर ये जीरो होगा तो फिर अपॉन में जीरो होगा तो कंडीशन डिफाइन नहीं हो पाएगी, बिकॉज सिंस द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तो अपॉन में आराम से हम इसको ले जा सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ये पावर अपॉन में जाकर के ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस वन। तो ये पहली थ्योरम का रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया यूजिंग द फर्स्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो हमने थ्योरम करी थी उसका हमने यूज किया है, क्लियर। तो ये फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ है। नाउ द सेकंड थ्योरम, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकालना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसमें आपको उस वीडियो का भी यूज करना है और ये जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ की है इसका भी यूज करना है। अब मैं फिलहाल क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड थ्योरम में हम आ रहे हैं, इफ ए की जगह पे बी कर दे रहा हूँ, इफ बी इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो एडजॉइंट ऑफ बी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की जगह पे बी कर दिया हमने, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग बी बाय एडजॉइंट ऑफ ए, बी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, जहां जहां पर बी आ रहा है वहां पर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, और इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों का यूज कर रहा हूँ, बी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई एन। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लास्ट थ्योरम में क्या लिखा था हमने, इसको क्या प्रूव किया है, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इनटू आई एन, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए से हम इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू आई एन, क्लियर। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर जो हमने लास्ट थ्योरम करी थी लास्ट वीडियो में, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, इसके जगह पे इस वाले टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। राइट साइड में देखिए
डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, तो इस नंबर को हम पहले लिख सकते हैं और ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए इंटू आई एन, इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स द वैल्यू रिमेन सेम। जो मैट्रिक्स है उसको अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिलती है या आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, ये भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। सिंस ए इज नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इसको आप अपॉन में ले जा सकते हैं। अपॉन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए, और यही हमको यहाँ पे सेकेंड थ्योरम में प्रूव करना है। दोनों थ्योरम्स को आप ध्यान से समझें, फर्स्ट थ्योरम से रिलेट करें और इस पर बेस न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल्स काफ़ी आसान है इसके करने के। तो जल्दी और कुछ थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।